हर कहानी के ना बहुत पहलू होते हैं, फर्क बस ये होता है कि कहानी सुना कौन रहा है। हम सबके अंदर दो शख्स होते हैं, एक शरीफ जिसे हम दुनिया से मिलाते हैं और दूसरा बदमाश। अमिताभ बच्चन जी ने कभी एक कविता को पढ़ते हुए कहा था, चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरे प्यार की। कुछ इसी नोट पर नेटफ्लिक्स पर आ रही फिल्म हसीन दिलरुबा की कहानी भी है। 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म का अलग ही फैन बेस है। विक्रांत मासी, हर्षवर्धन राणे और तापसी पन्नू जैसे एक्टर्स को लीड में प्रेजेंट करता ये फिल्म एक पल्प फिक्शन स्टोरी है जिसमें एक इंसान के चरित्र के परिभाषा को ढूंढने की कोशिश की गई है। अपने ही पति के मर्डर मिस्ट्री में उलझी तापसी की यह कहानी एक मैरिज की सच्चाई को बड़े ही फुर्सत में पेश करती है। कहानी जितनी प्यार की है उतनी ही लस्ट, ऑब्सेशन और धोखे की भी। विनील मैथ्यू द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म की शूटिंग हरिद्वार में हुई है। जहाँ एक और मूवी की कहानी कनिका ढिल्लों ने लिखी है, वहीं दूसरी ओर इस मूवी का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है। कलर येलो प्रोडक्शंस, टी सीरीज और एरोस इंटरनेशनल के बैनर के अंदर बनी ये फिल्म 2 घंटे और 15 मिनट की होने वाली है। कहानी कुछ खास नहीं है पर कास्टिंग जबरदस्त है। विक्रांत, तापसी और हर्षवर्धन के अलावा मूवी में आदित्य श्रीवास्तव, दयाशंकर पांडे और यामिनी दास भी दिखने वाले हैं। तैश के सक्सेस के बाद हर्षवर्धन से काफ़ी उम्मीदें हैं। मूवी का प्लॉट कुछ बहुत ही यूनिक नहीं है एंड आई विश कि राइटर्स अब अपनी सोच को थोड़ा बदलना शुरू करें। खैर, जहाँ तक इस मूवी की बात है तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर विक्रांत मासी एंड हर्षवर्धन राणे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म OTT के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम करके दिखाएगी। आपको इस मूवी में क्या खास लग रहा है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रीव्यू के साथ।